2019 में नेटफ्लिक्स ने 20 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की इनकम हासिल की, मतलब बहुत ज्यादा पैसा होता है ये। लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने के लिए नेटफ्लिक्स को क्या क्या करना पड़ा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो नेटफ्लिक्स से जुड़ी हुई है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहाँ ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, मोटिवेशनल लगेगा, तो गाइज इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और मजे लेके देखना प्लीज। हाँ, तो हे गाइस, मेरा नाम है ऋषभ पारिक और आप देख रहे हो टेक्नो ब्लॉगी। स्वागत करता हूँ आपका गैजेट्स और टेक्नोलॉजी की नए वर्ल्ड में। नए वर्ल्ड पुराना वर्ल्ड है बट नई वीडियो है। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 29 अगस्त 1997 में, यानी 1997 में फाउंड किया गया रीड हेस्टिंग द्वारा। जी हाँ, ये मतलब ऑफिशियली स्टार्टेड किया हुआ, लेकिन उससे पहले की स्टोरी चलते हैं। रीड हेस्टिंग की जो कहानी है उससे शुरुआत करते हैं। तो 1991 में रीड हेस्टिंग ने एक कंपनी स्टार्ट करने की सोची और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टार्ट की प्योर सॉफ्टवेयर। तो ये लाइनक्स के लिए डीबगिंग सॉफ्टवेयर बनाते थे और 4 साल में रीड हेस्टिंग ने इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुँचा दिया कि रैशनल सॉफ्टवेयर नाम की एक बड़ी कंपनी ने अपने प्योर सॉफ्टवेयर कंपनी को 700 मिलियन डॉलर्स में खरीद लिया। तो उन्होंने इस तरीके से स्टार्ट किया बिजनेस करना और इसके बाद उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जो आपको नेटफ्लिक्स के जो मेन आइडिया है, मेन क्रिएशन है, हर बिजनेस का एक मेन आइडिया होता है और मेन क्रिएशन होता है, इनोवेशन होता है, जहां से वो बीज होता है, जो उपजता है, एक पौधा उपजता है। सेम सिचुएशन नेटफ्लिक्स की हुई। रीड हेस्टिंग ने कोई VCR रेंट पे लिया था अपोलो 13 का और उसे वापस देने में वो लेट हो गए, तो उन्हें $40 का फाइन उस समय चुकाना पड़ा और उन्हें लगा कि यार दिस इज अ सीरियस थिंग मैन, $40। तो शायद उन्होंने इतना सोचा इस बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में, तो फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये जो प्रॉब्लम है ये बाकी दूसरे लोगों को भी होती होगी। तो बस इसी आइडिया को लेके उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया अपना और स्टार्ट किया नेटफ्लिक्स को। और फिर 29 अगस्त 1997 में उन्होंने अपने दोस्त रैंडोल्फ, मार्क रैंडोल्फ के साथ मिलकर नेटफ्लिक्स की शुरुआत की। तो जब नेटफ्लिक्स बना उस वक्त मार्केट में VCRs चल रहे थे। आपको याद होगा मोटे मोटे कैसेट जो हम अपने बचपन में फिल्म्स देखने के लिए यूज़ किया करते थे, तो VCRs बहुत लोग यूज़ कर रहे थे। और जो DVD वाली टेक्नोलॉजी है वो अभी अभी नई आई ही थी 1997 में, मतलब बहुत कम लोग यूज़ कर रहे थे DVD। उसके दो रीज़न थे, पहली कि वो एक नई टेक्नोलॉजी थी और उससे भी पहला रीज़न जो इम्पोर्टेंट रीज़न है, उसकी जो कीमत है वो 50,000 रुपये थी उस वक्त में। तो इससे एक बात बहुत क्लियर हो गई कि VCR के बहुत ज़्यादा यूज़र्स थे और DVD के बहुत कम यूज़र्स। लेकिन रीड हेस्टिंग ने ये सोचा कि DVD फ्यूचर है, क्योंकि DVD में आप ज़्यादा अच्छे रेजोल्यूशन से वीडियो देख सकते थे और उनको कैरी करना आसान था बजाय के VCR। तो उनके दूरदृष्टिकोण ने उन्हें साफ बता दिया कि अब नहीं तो फ्यूचर में, लेकिन DVD इज फ्यूचर। होप दैट मेक्स सेंस। तो उन्होंने कैलिफोर्निया में एस्टेब्लिश किया नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स का पहला काम था DVD को रेंट पे देना, वो भी मेल सर्विस के द्वारा, मतलब वो वाला ईमेल नहीं, पोस्ट मेल वाला, डाक किया डाक लेके आया रे वो वाला। तो उस पे नेटफ्लिक्स छपा होता और वो भी यार बहुत प्रीमियम कलर की DVDs स्टैम्प था, जो उनका कवर था वो बहुत मुझे देखने में अच्छा लगा। मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ कि उस टाइम पे भी इतनी इनोवेशन नेटफ्लिक्स करता था। तो क्वालिटी के ऊपर रीड हेस्टिंग ने हमेशा से विश्वास किया। तो उसके ऊपर एक रिटर्न स्टैम्प लगी होती थी, तो नेटफ्लिक्स लोगों के घर पे भेजता था और जो रिटर्न स्टैम्प है उससे वापस मंगवा लेता था। तो इससे लोगों की एक प्रॉब्लम हल हो गई कि उन्हें मार्केट में जाके DVD खरीदने नहीं पड़ते थे, रेंट पे नहीं लेने पड़ते थे, उनके घर पे DVD जा सकती थी, आ सकती थी, और ये प्रोग्राम शुरू हुआ। और आपको एक बात और बता दूं कि जब
नेटफ्लिक्स डीवीडी रेंट पे देता था तो $4 मंगवाने के थे और $2 शिपिंग चार्जेस थे। तो ये चीज सफलता की ओर लेके बढ़ी और नेटफ्लिक्स ग्रो करने लगा। तो ये बात तो क्लियर थी कि नेटफ्लिक्स का जो आइडिया था और नेटफ्लिक्स की जो स्ट्रेटेजी थी वो काम कर रही थी और नेटफ्लिक्स अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रही थी। बट जो मेन मार्केट का बादशाह होता है उस वक्त वो कंपनी थी ब्लॉकबस्टर, और ब्लॉकबस्टर का जो नेट रिवेन्यू था वो था $4.5 बिलियन उस वक्त। तो जो ब्लॉकबस्टर है उसकी टक्कर थी नेटफ्लिक्स के साथ, और कहीं नेटफ्लिक्स की टक्कर थी ब्लॉकबस्टर के साथ। यस, तो नेटफ्लिक्स को पता था कि ये हमसे बड़े हैं, तो नेटफ्लिक्स ने उनके साथ कोलैबोरेट करने की सोची, सांझा चूल्हा बनाने की सोची। लेकिन क्योंकि ब्लॉकबस्टर वाले अपने घमंड में चूर थे, अपने ही नशे में चूर थे, तो उन्होंने नेटफ्लिक्स को कोई भाव नहीं दिया ऐसा खास, क्योंकि नेटफ्लिक्स का एक आइडिया था कि, तो नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर के पास गया था और ब्लॉकबस्टर वालों को कहा था कि भाई साहब हम आपका इंटरनेट का जो धंधा है वो संभाल लेंगे, blockbuster.com करके नेटफ्लिक्स हटा देंगे, blockbuster.com करेंगे। बट ब्लॉकबस्टर हो गया, उन्होंने कोई भाव नहीं दिया नेटफ्लिक्स को। तो नेटफ्लिक्स ने एक और आइडिया निकाला, और ये आइडिया था कि जो रेंटल रेंट पे हम देते हैं डीवीडीज वो मंथली सब्सक्रिप्शन बेस पे दी जाए। ये उनका बेसिकली मेन स्ट्रेटेजी थी, जो मैं बताना मुझे पहले बताना चाहिए था कि वो मंथली सब्सक्रिप्शन देते थे, आप $16 में पूरे महीने में कितनी भी फिल्म्स देखिए और अपने आसपास जो डीवीडीज हैं जैसे वो भी एक्सचेंज कर सकते थे। तो मतलब ये आइडिया भी कमाल का, और इससे नेटफ्लिक्स का रिवेन्यू और बढ़ने लगा। लेकिन 2003 में आते आते नेटफ्लिक्स को नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि नेटफ्लिक्स का जो बिजनेस था वो थोड़ा डाउन हो गया था। ओके, तो बेशक नेटफ्लिक्स का थोड़ा टाइम खराब चल रहा था, तो नेटफ्लिक्स ने 2004 या 3 का एक इंटरव्यू था रीड हेस्टिंग का। रीड हेस्टिंग ने कहा कि ब्लॉकबस्टर ने हमारे ऊपर मतलब सिंक, जो बेसिन सिंक है वो ही दिया है हमें, और दिया है क्या, कुछ नहीं दिया, मतलब हमने इतने प्रपोजल रखे। और जो ब्लॉकबस्टर के सीईओ थे उस वक्त, उन्होंने रीड हेस्टिंग का जो हेडक्वार्टर था उसके ऊपर बेसिन सिंक भेज दिया। मतलब ये सेवेजनेस करनी जरूरी थी। फिर 2007 में नेटफ्लिक्स ने एक और नई चीज़ की, वीडियो ऑन डिमांड देना शुरू किया। इंटरनेट उस वक्त एक्सप्लोर हो ही रहा था, इंटरनेट एक्सप्लोरर वो वाला नहीं, मतलब इंटरनेट ग्रोथ कर ही रहा था धीरे धीरे, बहुत धीरे स्पीड से। और रीड हेस्टिंग की मुझे यही बात सबसे अच्छी लगी, मतलब बहुत सारी अच्छी बातें लगी, लेकिन जो इस कंपनी का मेन आधार था दूरदृष्टि। उनको पता था कि इंटरनेट फ्यूचर में टेक ओवर करने वाला है, चाहे धीरे करे या जल्दी करे, बट ये टेक ओवर ज़रूर करेगा। जैसे कि उन्होंने, उनको पता था कि डीवीडी मार्केट को टेक ओवर करेंगी, तो उन्होंने वीडियो ऑन डिमांड सर्विस शुरू की। लेकिन उस वक्त दिक्कत ये थी कि नेटफ्लिक्स की जो सीडीज थी, जो नेटफ्लिक्स के पास मूवीज़ का कलेक्शन था, वो इतनी खास क्वालिटी का नहीं था। तो नेटफ्लिक्स ने स्टार्स केबल नाम के एक कंपनी से कोलैबोरेशन किया। फिर नेटफ्लिक्स को डिज्नी, लायंसगेट, MGM और ऐसे बड़ी बड़ी जो प्रोडक्शन हाउसेस थी उनका कंटेंट मिलने लगा। तो उनके कंटेंट मिलने के साथ साथ वो प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट नेटफ्लिक्स पे आना शुरू हो गया था, और इसके लिए स्टार्स केबल को $20 मिलियन देने पड़े थे नेटफ्लिक्स को। लेकिन फ्यूचर में चल के ये नेटफ्लिक्स के लिए एकदम मुनाफा साबित हुआ था। नेटफ्लिक्स ने अपने आप को कभी भी बड़ा नहीं समझा, उन्होंने हर कंपनी के साथ अपने कदम से कदम मिलाए और अपने आप को अवेलेबल करवाया हर प्लेटफॉर्म पे। साल था 2010 जब कनाडा में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग शुरू की नेटफ्लिक्स ने। अब जो कैसेट डीवीडी वाला धंधा था वो एकदम ऑनलाइन हो चुका था, अब वीडियो स्ट्रीमिंग हुई और कनाडा में ये सक्सेसफुल रहा, फिर यूरोप में, फिर कैरेबियन में, ऐसे ये धंधा फैलने लगा। और जैसे जैसे ये चीज़ें ग्रो करने लगी, तो जो लोग नेटफ्लिक्स को डाटा प्रोवाइड करवा रहे थे, कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे थे, उन्होंने अपने रेट महंगे कर दिए भाई। उसके बाद में क्या हुआ, नेटफ्लिक्स ने बिना समय गवाए फरवरी 2012 में खुद की ओरिजिनल एक कंटेंट बनाया लिली हैमर नाम का, और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा।
उसके बाद में जैसे जैसे अपना कंटेंट बनाने के बारे में सोचने लगा, नेटफ्लिक्स ने हाउस ऑफ कार्ड्स भी बनाया और ये जो शो था सारे के सारे एपिसोड एक रात में ऑनलाइन। अगर आप और मैं होते तो सोचते कि नहीं ऐसा नहीं करते, बट ये रीड हेस्टिंग थे, नेटफ्लिक्स था, तो ये चीज़ भी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। तो जैसे जैसे ये सब चीज़ें ग्रो करने लगी, नेटफ्लिक्स ने अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। मतलब वो मूवीज़ बना रहे थे, डॉक्यूमेंटरीज बना रहे थे और ऐसी बहुत सारी चीज़ें बना रहे थे जो प्रीमियम क्वालिटी की हों। नेटफ्लिक्स ने एक चीज़ बहुत अच्छे से समझी कि जो ऑडियंस है उसको क्या चाहिए। हालांकि ऑडियंस ने नहीं समझी, लेकिन फिर भी नेटफ्लिक्स ने समझी और प्रोवाइड करवाई। जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग्स, मतलब मील का पत्थर साबित हुई नेटफ्लिक्स के लिए स्ट्रेंजर थिंग्स। और जैसे जैसे मतलब नेटफ्लिक्स टाइम के साथ इंटरनेट ग्रो होने लगा, फिर 2016-17 में हमारे यहाँ इंडिया में इंटरनेट आया और इंडिया में इंटरनेट आने के साथ साथ नेटफ्लिक्स का भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ। और उसके बाद में आपको पता ही है नेटफ्लिक्स इंडिया में कितना यूज़ हो रहा है। नेटफ्लिक्स को भी पता है कि इंडिया क्या चीज़ है, मतलब है ये लोग कहीं पीछे नहीं रहते इंडिया वाले। तो बस आज तक मतलब 2020 आ चुका है और नेटफ्लिक्स कमाल मचा रहा है। डेली वो लोग नया कंटेंट बना रहे हैं। और आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि आज के दिन नेटफ्लिक्स के 169 मिलियन यूजर्स हैं, सब्सक्रिप्शन लिया हुआ जिन्होंने, अपने दोस्त से मैं नहीं मांगा पासवर्ड और आईडी, और सब पेड है। तो आप सोच सकते हो कि एक दूरदर्शी नज़र नेटफ्लिक्स ने हमेशा रखी। फ्लेक्सिबिलिटी इन द बिजनेस बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें मैं भी अपने जीवन में डालने की कोशिश करूँगा और आप भी अपने जीवन में डालने की कोशिश कीजिएगा। तो ये थी हमारी ब्रांड सक्सेस स्टोरी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको पता है क्या करना है, घंटे का बटन भी दबा देना। ओके ठीक है, मेरा शूट का समय हो चुका है, मैं भी नेटफ्लिक्स की तरह कुछ करूँगा। मैं दूसरी तरह को सब्सक्राइब कर दीजिए।